चैलेंज 24 न्यूज़, मैं रेखा दुग्गल। लगातार हम यहाँ बने हुए हैं पुरानी नांगल में। 9 साल की महज मासूम बच्ची के इंसाफ को लेकर हर समाज का इंसान यहाँ पहुँचा है। जरूरी नहीं कि सिर्फ दलित समाज, हर समाज का इंसान यहाँ उस मासूम बच्ची के इंसाफ के लिए पहुँचा है। यहाँ तक कि किन्नर समाज भी इस मासूम बच्ची के इंसाफ के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं और सभी की एक ही राय है कि ऐसे दरिंदों को फांसी हो, और जब तक फांसी नहीं होगी ये धरना प्रदर्शन नहीं रुकेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला चंदे, समाज की वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश की हूँ, और समाज के लिए हमेशा 30 वर्षों से ये लड़ाई लड़ रही हूँ। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की अध्यक्ष हूँ, और जो हमारी बेटी के साथ अन्याय किया है, इतना घिनौना काम किया है, हमारा पूरा समाज दिल्ली प्रदेश का एवं राष्ट्र का इस बेटी का दुख जाहिर कर रहा है। हम बैठेंगे नहीं जब तक दरिंद्रों को फांसी नहीं लगेगी। दिल्ली सरकार से हमारी ये मांग है, केंद्र से हमारी ये मांग है कि आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी हमारे ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो हमारी बेटी दलितों की कहाँ सुखी है? उन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी है हमारे लिए? दिल्ली सरकार ने हमारी बेटियों के लिए क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया है जो हमारी बेटी सेफ रहे? एक बेटी जो पानी लेने गई है और उसको पकड़ के इतना घिनौना काम किया है, हम ये चाहते हैं उनको फांसी मिलनी चाहिए और न्याय मिले हमारी बेटी को। हमारा पूरा समाज दिल्ली प्रदेश का यहाँ धरना प्रदर्शन हम करते रहेंगे, और हमेशा ये लड़ाई मैं यहाँ पर बैठी रहूँगी, उठूँगी नहीं जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। फांसी दी जाए, फांसी दो, वरना अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। दीदी, दुर्गा पूजा की जाती है, दुर्गा पूजा की जाती है, नवरात्रे रखे जाते हैं, 9 देवियों को पूजा जाता है, और वहीं देश में देवी समाज स्त्रियों का, बहन बेटियों का बलात्कार करके उनको मार दिया जाता है। मैं उसको चाहती हूँ उसको पेड़ के ऊपर लटका के और बहुत बुरे तरीके से रस्से से बांध के और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, उनको ये सजा दी जाए। और जो ये जो भारत में हमारे कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, ये क्या बेटी बचाओ? एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ और एक तरफ जल्लादों को शमशानों में जगह देते हैं, जो एक पानी की प्यास ने एक 8 साल की बच्ची के साथ में उसकी जान ले ली और उसके साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया, जो कि हमारी बेटी बच्ची जिसको हम कन्या पूजन करते हैं, कन्यादान करते हैं, अगर नवरात्रे का वक्त आता है, अभी अगले महीने नवरात्रे हैं, उसमें कन्या के पैर धोए जाते हैं, कन्या को 8 साल के 9 साल की बच्ची की अहमियत 10 साल तक दी जाती है, ये कन्या, और उसको एक पानी की प्यास, कन्या को पानी की प्यास लगी और 4 दरिंदे उसके पीछे ऐसे दौड़े कि उसके साथ जो भी कुछ अन्याय किया उनकी बेटियों के साथ, शायद वो बेटी वाले हैं ही, मैं समझती हूँ वो हिंदू ही नहीं है, और इस सरकार ने मोमडनों के रूप में और हिंदू बना के जल्लाद वहां पर पैदा किए। मेरा कैमरामैन अमित सैनी के साथ, मैं रेखा दुग्गल, ओपन चैलेंज 24 न्यूज़, पुरानी नांगल, दिल्ली।